Then the angel took the censer and filled it with fire from the altar and threw it on the earth. Dosto, ye abris, second accident of rapture time par, prithvi par vinash ka put bhayankar hahakar macha raha. Aasman se aliens apne gole daag rahe hain. Imarate taas ke patton ki nahi bikhar rahi hain. Dharasayi ho. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, यहेजकेल और प्रकाशित वाक्य की पुस्तकों में लिखी भविष्यवाणियां पूरी होने लगी हैं। वह समय आ पहुंचा है जब भयंकर हाहाकार मचेगा। सभी देश एक एक करके सामने आने लगे हैं। आरंभ होने वाले महायुद्ध की तैयारी होने लगी है। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें ताकि होने वाले तीसरे विश्व युद्ध को समझ सकें, खुद और खुद के परिवार को सुरक्षित रख सकें। चैनल सब्सक्राइब कर घंटी जरूर बजाएं। इस चैनल में हम सदैव इसी प्रकार के वीडियोस अपलोड कर। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। परमेश्वर का संदेश पाते ही परमेश्वर के इकलौता पुत्र सर्वप्रथम भयंकर सताओं में मार डाले गए अपने दो गवाहों को सादेह बादल में उठा लेगा। खुद पर विश्वास करने वाले प्रत्येक विश्वासी की आत्मा को पुकार कर अपने पास बुलाएगा। दोस्तों, प्रभु की आवाज को सुनते ही प्रत्येक विश्वासी की आत्माएं पृथ्वी की पार्थिव देह को त्याग कर अपने स्वामी की सेवा करने के लिए बादल में उसके पास चली जाए। पर दोस्तों, इस घटना के घटने से पहले यहेजकेल 7 अध्याय में लिखे वचन का पूरा होना भी अत्यंत आवश्यक था। यहेजकेल की पुस्तक उसके 7 अध्याय के 3-4 पद में लिखा है, परमेश्वर इसराइल को उसके घिनौने कार्यों से शुद्ध करेगा। 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल के उस स्थान पर हमला हुआ जिस स्थान में विश्व के समस्त समलैंगिक इकट्ठा होकर प्रतिवर्ष गे प्राइड परेड निकालते हैं। इस विषय में आप और जानना चाहें तो हमारे द्वारा अपलोड इस वीडियो को जरूर देखें। हमने इस वीडियो को सोमवार के दिन अपलोड किया था। आज के वीडियो में हम मचने वाले हाहाकार के विषय में जानने वाले हैं। आइए प्रार्थना करें ताकि इस भयंकर और दर्दनाक कटनी के आरंभ होने से पहले हम इस योग्य बन सकें कि प्रभु की पुकार को हमारी आत्मा सुन सके। इस महाभयंकर और दर्दनाक कटनी से हम बच सकें, इस दर्दनाक दृश्य को हम अच्छी तरह समझ सकें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज की इस पवित्र दिन में पिताजी आप हमें दूसरी कटनी का दृश्य दिखाने वाले हैं। तो पिता, हमारी आत्मिक आंखों को खोल ताकि इस अध्ययन को हम अच्छी तरह समझ सके, अपने जीवन को तेरे लायक बना सके। यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 14 अध्याय 18 पद, फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला और जिसके पास चोखा हसुआ था, उसे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी। दोस्तों, यह पद उस स्वर्गदूत की जानकारी देने वाला है जो कटनी करने वाले स्वर्गदूत को संचालित करे। इस दर्शन में सबसे पहले यूहन्ना जी को वेदी नजर आती है। वेदी अर्थात वो स्थान जहां निर्दोष प्राणियों का रक्त बहता। बलि व्यवस्था का पहला नियम यही है कि बलि उसी प्राणी की चढ़ना चाहिए जो निर्दोष और निष्कलंक। ऐसी बलि चढ़ेगी तभी बलि चढ़ाने वाले के पाप क्षमा। इसी नियम को पूर्ण करने के लिए यीशु मसीह पृथ्वी पर मानव बन के जन्म लिया था। परमेश्वर का पवित्र और निष्कलंक मेमना बना था। समस्त जगत के अपराधियों का पाप खुद पर उठाकर क्रूस पर बलिदान हुआ। दोस्तों, इन बातों को वेदी अर्थात वो स्थान जहां निर्दोष प्राणियों को काटा जाता है। कई निर्दोष मनुष्य कटने लगे हैं। गाजा और इजराइल के कई निर्दोष लोग मर रहे हैं, कई परिवार तबाह हो रहे हैं, घर से लोग बेघर हो चुके हैं। जो बाइबल पढ़ते हैं वे अच्छी तरह जानते हैं कि कई निर्दोष और असहाय मनुष्य उसी प्रकार काट दिए जाएंगे जिस प्रकार वेदी में बलि के लिए प्राणियों को काट दिया जाता है। जिस प्रकार वेदी के चारों ओर रक्त नजर आता है, उसी प्रकार उन दिनों अनजान लोगों का रक्त बह रहा था। यदि आप भी इस विषय में कुछ कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले प्रत्येक मनुष्य
जय मसीह लिखकर प्रभु की महिमा अवश्य। दोस्तों, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, आने वाले उन दिनों तक उसे अपने जीवन का स्वामी या मालिक मानकर स्वीकार नहीं कर पाता, उसे अपना उद्धारकर्ता नहीं बना पाता, उस प्रत्येक मनुष्य की आत्मा को गूंजने वाली प्रभु की आवाज नहीं सुनाई देगी। स्पष्ट है, जिस व्यक्ति की आत्मा को प्रभु की पुकार नहीं सुनाई देगी, उसकी आत्मा निश्चय ही पहली कटनी में पृथ्वी में ही छूट जाएगी। छूटे हुए उन व्यक्तियों में से कई व्यक्ति के कर्म, आचरण और व्यवहार बहुत अच्छे होंगे, पर यह सच है कि कर्म, आचरण और व्यवहार मनुष्य की आत्मा को उद्धार नहीं दिला सकते। परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य से प्रेम करता है। उसने सभी मनुष्य को अपने हाथों से रचा है। वो निष्पक्ष न्याय है। उसने प्रत्येक सच्चे और सज्जन व्यक्ति को आने वाले महाक्लेश से बचने के लिए विशेष योजना बनाई है। क्योंकि इन लोगों ने परमेश्वर की योजना को स्वीकार नहीं किया, उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया, दोस्तों क्रूस पर बह रहे उसके पवित्र लहू को नजरअंदाज कर दिया है, अपने पापों को उसके पवित्र लहू से कभी नहीं धोया, इनके लिए सर्वदा वेदी और बलिदानी के प्राणी ही पाप क्षमा का साधन बने रहे। सो इनकी आत्माएं आने वाले महाक्लेश से इन्हीं के विश्वास के अनुसार बचने पाएंगी। दूसरी कटनी के प्रथम चरण में सर्वप्रथम ऐसे लोगों की आत्माएं ही पृथ्वी के देह से बाहर निकाली जाएंगी। वीडियो अपने मित्र और रिश्तेदारों को भी जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण ज्ञान को अच्छी तरह समझ सके। दूसरी कटनी में प्रत्येक सच्चे और सज्जन व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति दिलाने वाला स्वर्गदूत स्वर्ग के ही मंदिर से आएगा, पर उसमें प्रभु यीशु मसीह की तरह प्रेम नहीं होगा। वो आदेश उस स्वर्गदूत का मान रहा होगा जो वेदी की अग्नि से बाहर निकलेगा। प्रत्येक व्यक्ति जानते हैं, अग्नि से बाहर निकले पदार्थ का व्यवहार गर्म ही होता है। मुक्ति अलग चीज है, उद्धार अलग चीज है। उद्धार पाए हुए व्यक्ति की आत्मा प्रभु के पास जाकर परमेश्वर की महिमा करने पाएगी, पिता परमेश्वर के अद्भुत योजनाओं को पूर्ण करने में अपना सहयोग देने पाएगी। पर मुक्ति पाई हुई आत्माएं देह से बाहर तो निकल जाएंगी, पर प्रभु के पास नहीं पहुंच पाएंगी। इस बात को आप एक बड़ी कंपनी के सज्जन डायरेक्टर के जीवन से भी समझ सकते हैं। दोस्तों, वह एक विशाल कंपनी का संचालन करता है, कंपनी में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का भरण पोषण करता है, उनकी प्रत्येक आवश्यकताओं का ख्याल रखता है, पर उसके व्यक्तिगत योजनाओं में उसका सहयोग वे ही कर पाते हैं जो उसके करीब रहते हैं। इस जगत का सही डायरेक्टर भी अपनी योजनाओं को कुछ इसी तरह पूरा करने वाला है। आप किसी और उदाहरण को प्रस्तुत करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपने उदाहरण को जरूर लिखें। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसके 18 पद में लिखे वचन के अनुसार वेदी से बाहर निकालने वाले स्वर्गदूत का अग्नि पर अधिकार होगा। उसके पास भी चोखा हंसुआ था, अर्थात वो भी कटनी करने आया था। संभवतः होने वाली दर्दनाक और हाहाकारी कटनी में वो मंदिर से बाहर निकले स्वर्गदूत का सहयोग करने आएगा। दोस्तों, यहाँ स्पष्ट होता है कि वो मंदिर से बाहर निकले स्वर्गदूत को संचालित नहीं करेगा, पर अपना मत प्रकट करेगा कि दूसरी कटनी का आरंभ किस प्रकार किया जाए, कि सर्वप्रथम उन्हें जो प्रभु की प्रमुख योजना के सहभागी नहीं बने, जिन्होंने उसके इकलौते पुत्र के पवित्र बलिदान को महत्व नहीं दिया, उनकी आत्मा को पृथ्वी की पार्थिव देह से आजाद किया जाए। दोस्तों, वे प्रत्येक व्यक्ति जो अच्छे हैं, जिनके कार्य, आचरण और व्यवहार सराहनीय है, काश वे भी परमेश्वर की योजना को समझ लें, तो वे भी होने वाली इस दर्दनाक कटनी के असहनीय दर्द से स्वयं और अपने परिवार को बचा सकते। 7 अक्टूबर 2023 को घटी घटना तो इज़राइल की अशुद्धता का एहसास इज़राइल में घृणित काम करने वालों को कराने के लिए घटी थी। परमेश्वर प्रत्येक घृणित काम करने वालों को घृणित कामों से बाहर निकलने का संकेत दे रहा है। पर उस दिन के बाद घट रही घटना, अर्थात लगातार चल रहा युद्ध, आरंभ होने वाले महायुद्ध की तैयारी करा रहा है। दोस्तों, आज रूस यूक्रेन से लड़ रहा है, आर्मेनिया और अजरबैजान युद्ध कभी भी होने लगता है, चीन ताइवान से लड़ रहा है, इसराइल और हमास की जंग आरंभ हो चुकी है, विश्व के कई क्षेत्रों में हाहाकार मचा है। वचन में लिखा है वह निश्चय पूरा होगा। स्मरण करें, मिस्र ने कई प्रयास किए कि इजरायली उनकी गुलामी करते रहें, पर उत्पत्ति की पुस्तक उसके 15 अध्याय के 13 से 16 पद में लिखे वचन को परमेश्वर ने पूरा किया। इजरायल को गुलामी से बाहर निकालकर प्रतिज्ञा किए हुए देश में वापस ले आया। वेदी से निकलने वाले गर्म स्वर्गदूत की बातों को ध्यान से सुनने के बाद संभवतः मंदिर से निकला हुआ स्वर्गदूत विनाश के पुत्र को अपना हथियार बनाएगा। वे चारों दूत
जो फरात महानद में बंधे हुए हैं, विनाश के पुत्र की सहायता करने के लिए भेज दिया जाएगा और दूसरी कटनी आरंभ हो जाएगी। चारों तरफ आग ही आग नजर आएगी। विनाश का भयंकर तांडव मच जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे दिख रहे बटन को छूकर वीडियो लाइक जरूर। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन आत्मा बताना चाहता है कि G20 सम्मेलन तो हो चुका है, पर वर्ल्ड वन गवर्नमेंट का शासन तीसरे विश्व युद्ध के बाद ही प्रारंभ होगा। YHKL की पुस्तक उसके 38 अध्याय में लिखे वचन के अनुसार प्रत्येक वे देश जिनका नाम धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा है, इज़राइल और हमास जंग में सामने आने लगे हैं, अर्थात आरंभ होने वाले महायुद्ध की तैयारी करने लगे हैं। दोस्तों, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में लिखे वचन के अनुसार तीसरा विश्व युद्ध 2024 से 25 के बीच होना चाहिए। अक्टूबर चल रहा है, अर्थात 2024 आरंभ होने वाला है। होने वाले थर्ड वर्ल्ड वार की तैयारी आरंभ हो चुकी है, तो हम कह सकते हैं कि बहुत जल्द वो संग्राम आरंभ होगा जिस संग्राम में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 14 अध्याय के 18 पद में लिखे वचन के अनुसार कई निर्दोष बलि में कटने वाले प्राणियों के समान कटेंगे, पृथ्वी की एक तिहाई मनुष्य मर मिटेंगे। सो आज के अध्ययन से मिलने वाले शिक्षा के पद को जरूर याद रखें जो YHKL की पुस्तक उसके 14 अध्याय के 21 पद में लिखा है। तो आइए इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। प्रभु यहोवा कहता है, मैं यरूशलेम पर अपने चारों दंड पहुंचाऊंगा, अर्थात तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और मरी, जिनसे मनुष्य और पशु सब उसमें से नष्ट हो। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुदाबंदी यीशु मसीह के नाम में आमीन।